हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, एमबीबीएस काउंसलिंग का ये लास्ट राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन हो चुका है, बट अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो अब कुछ स्टेट्स ने, ऑल इंडिया कोटा ने अपने लास्ट राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के एप्लीकेशन निकाल दिए हैं और कुछ थोड़े बहुत स्टेट्स के अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो जो भी स्कोर के बच्चे अभी रह गए हैं, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और अब हमको कहाँ पे सीट मिल सकती है, उसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या जाएगा और कौन से कोर्सेज पे हमको एडमिशन मिल सकता है, यानी कि कितने स्कोर पे हमको एडमिशन मिल सकता है। ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ का फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड नंबर 4 के लिए हम जो फॉर्म निकालते हैं। तो राउंड नंबर 4 में बेसिकली देखते हैं तो एमसीसी ने अपना फॉर्म निकाल दिया है। एमसीसी के साथ कर्नाटक ने भी अपना फॉर्म निकाला था, लेकिन कर्नाटक का लास्ट टाइम फिनिश हो चुका है, यानी कि कल लास्ट डेट हो गई है, कर्नाटक का फॉर्म फिनिश हो चुका है। कर्नाटका में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आया था, रजिस्ट्रेशन हमारा 21 से 23 तारीख तक था, रात को 12 बजे तक। तो आज इसका एप्लीकेशन कर्नाटका का फिनिश हो चुका है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने अपना फॉर्म को एक्टिवेट कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एमएमयू सोलन के लिए। वेस्ट बंगाल आज शाम को 6 बजे से एप्लीकेशन निकाल रहा है, यहाँ पे भी कुछ सीटें हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का भी फॉर्म एक्टिव है और साथ में राजस्थान का भी फॉर्म एक्टिव है, 2 दिन के लिए राजस्थान का भी फॉर्म आपका चलता रहेगा। तो ये फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। अब बाकी अभी कुछ और एप्लीकेशन आने हैं, बिहार का भी थर्ड राउंड चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ का भी रिजल्ट आया नहीं है, थर्ड राउंड का वेटेड है और तेलंगाना का फॉर्म अभी आना बाकी है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, अब हम देखते हैं कहाँ पे किस स्कोर पे एडमिशन मिलने की चांसेस रहेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीसी से। तो एमसीसी में सीट मैट्रिक्स देखा है, सीटें है ही नहीं एमसीसी में। अगर एमसीसी में बात करते हैं तो जो नॉर्मल जो सीटें आई हैं लास्ट में, अगर हम जाते हैं साउथ वाउथ के भी जो कॉलेज में या संतोष में जो सीटें हैं, इसमें भी कैलकुलेशन ये है कि 350 के अबव अब यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा, उसके नीचे यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है। और NRI में जो थोड़ी बहुत सीटें आई हैं, NRI में भी चांसेस ये हैं कि 250 के अबव भी अलॉटमेंट आएंगे, उसके नीचे चांसेस काफ़ी कम है। और इसके बाद अगर यूपी में भी देखते हैं तो यूपी में भी ना के बराबर ही सीटें आई हैं। यूपी में अभी भी 350 से ऊपर का कट ऑफ चल रहा था, इस राउंड में होपफुली 400 प्लस का कट ऑफ जाएगा यूपी में। तो यूपी में भी लो मार्क्स वालों को कोई खास अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है। यूपी में हमने थर्ड राउंड में देखा कि शारदा मेडिकल कॉलेज 643 तक मेडिकल कॉलेज गया, और थर्ड राउंड में लास्ट सीट अगर हम देखते हैं तो FH मेडिकल कॉलेज में सबसे लोवेस्ट अलॉटमेंट हुआ था, जो कि माइनॉरिटी कॉलेज है, 348 नंबर पे FH के अंदर। और जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उसमें जो सबसे लास्ट अलॉटमेंट गया था वो KMC महाराजगंज में गया था, जो कि नया कॉलेज है, 450 नंबर पे। तो इस राउंड पे भी काफ़ी ऊपर 500 नंबर के ऊपर ही चलेगा यूपी, यहाँ पे भी कुछ खास चीज़ें नहीं है। तो हम देखते हैं हमको मेजर कहाँ पे सीट मिलने की चांसेस हैं, यानी कि अगर हमारा स्कोर कम है, ज़्यादातर अभी कम स्कोर के बच्चे हैं, 200-250 या लेस देन 200 स्कोर का है, तो हमको कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। तो जो राजस्थान का एप्लीकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, राजस्थान में आप अप्लाई करें, राजस्थान में आपको सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में थर्ड राउंड के कट ऑफ देखे तो काफ़ी नीचे गए थे, व्यास मेडिकल कॉलेज 127 नंबर तक गया था, पैसिफिक 134 नंबर तक गया था। तो यहाँ पे जब आप राजस्थान में चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप दोनों कैटेगरी पे, हर कॉलेज के 2 फीसेस होती हैं, एक जनरल सीट होती है, एक मैनेजमेंट सीट होती है। मैनेजमेंट में फीसेस कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन कुछ कॉलेज में वहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे कि उदयपुर के कुछ कॉलेज हैं जैसे पैसिफिक एक्सेट्रा, यहाँ पे इनमें भी डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप सही वे से अप्रोच करते हो। तो लो से लो नंबर वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट काउंसलिंग है अभी राजस्थान की। 2 दिन है, ये लास्ट राउंड का एप्लीकेशन है, इसके बाद कोई फॉर्म नहीं निकलेगा और ये लास्ट काउंसलिंग का है। दिवाली के बाद हमारी होपफुली ये काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी और फिर नेक्स्ट ईयर के फॉर्म्स आएंगे, 2025 की फिर काउंसलिंग होगी। तो इस साल की लास्ट काउंसलिंग है, ये लास्ट मौका है, अगर कोई भी बच्चे को सीट नहीं मिली है तो बहुत ध्यान से अब रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इसके बाद, इस वीक के बाद काफ़ी मुश्किल है कि आपका एडमिशन इस बार 2024 के सेशन में हो पाए। तो राजस्थान को आप टारगेट कर सकते हो। राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो निम्स मेडिकल कॉलेज में नियर अबाउट 300 मार्क्स तक सीट मिल जानी चाहिए, JNU में 300 मार्क्स तक सीट मिल जानी चाहिए। उसके बाद उदयपुर के कुछ कॉलेज हैं निम्स, उसमें अगर किसी बच्चे का स्कोर कम है तो वहाँ पे मैनेजमेंट में सीटें मिल जाएंगी, स्कोर अच्छा है 250 अबव है तो स्टेट कोटा पे सीटें मिल जाएंगी। मैनेजमेंट में फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है, 160 की फ़ीस है, 1 करोड़ 60 लाख की, लेकिन वहाँ पे कॉलेज डिस्काउंट थोड़ा बहुत उसमें दे सकते हैं।
उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी अभी फिलहाल रुका हुआ है, मॉपअप राउंड का रिज़ल्ट आएगा तो फिर ये स्टे वैकेंसी राउंड निकालेगा। छत्तीसगढ़ में भी ये ज़्यादा नीचे कट ऑफ आने की चांसेस नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद है कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो रिज़ल्ट अगर कुछ सीटें बची आती हैं तो 500 नंबर तक सीटें हमको मिलेंगी। झारखंड में टाटा मणिपाल में कोई सीट नहीं बची है और जो लक्ष्मीचंद्र ऋषि मेडिकल कॉलेज है इसमें अदर स्टेट पर ऑलरेडी 587 पे कट ऑफ चल रहा है, तो अगर इसमें अब होपफुली कोई सीट नहीं आनी चाहिए, अगर सीट आती भी है तो भी इसका कट ऑफ 550 के अभी जाएगा, यहाँ पर भी कोई खास पोटेंशियल नहीं है। पौंडीचेरी का फॉर्म अभी आएगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, पौंडीचेरी में लास्ट सीट वेंकटेश्वरा में 321 पे मिला था, तो 350 नंबर तक पौंडीचेरी में भी चांसेस हैं कि आप यहाँ पर सीटें उठा सकते हो। तो अपने स्कोर के वाइज हमको यहाँ पर करना क्या है कि जो भी जिस बच्चे का जो स्कोर है अपने स्कोर पर आपको कौन सी जगह पे काउंसलिंग करनी है इसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट जो काउंसलिंग चल रही है इसमें काफ़ी स्टेट्स ऐसे रहेंगे जो कॉशन अमाउंट है, जैसे कर्नाटका ने किया कॉशन अमाउंट को बढ़ा देते हैं, पूरे साल की फीस एक साथ ले लेते हैं कि बच्चे आप सीट ना छोड़े, बिकॉज कॉलेज भी चाहता है स्टेट भी चाहता है कि अब उसकी कोई सीट वैकेंट रहे स्टे वैकेंसी राउंड में सही सीटें उठ जाए, इसलिए नॉर्म्स को चेंज कर दिया जाता है, कॉशन अमाउंट को बहुत हाई कर देते हैं कि बच्चे को अगर सीट उठे तो ये ज्वाइन ही करें। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक साथ दो स्टेट या तीन स्टेट में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है, बिकॉज मनी फॉरफीचर बहुत हैवी अमाउंट का होता है। तो अपने स्कोर के हिसाब से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन से जगह पर हमको अप्लाई करना है। अगर MCC में जा रहे हैं 350 से अबव का स्कोर है तभी कंफर्टेबल है, अगर 250-200 के स्कोर पे आप MCC को ट्राई कर रहे हो तो कोई पोटेंशियल वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा कि झारखंड में अगर आप 400-500 के स्कोर से जा रहे हो तो कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है, हमको एक्यूरेट जगह पे ट्राई करना है जहाँ पे हमको सीटें मिल सकें। उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है, उड़ीसा के अंदर तो उड़ीसा वाले बच्चे ही ले सकते हैं, अभी हम सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी शांति निकेतन में लास्ट सीट गई थी 269 में, आज शाम को फोर्थ राउंड का यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, अगर 300 नंबर तक आपका मार्क्स है तो वेस्ट बंगाल में आपको सीटें मिल सकती हैं। वेस्ट बंगाल में ये होगा कि फर्स्ट अमाउंट जो आपकी जो फीस का होता है वो लगभग 2 साल की फीस आपसे ज़्यादातर कॉलेजेस मांगते हैं, बस ये क्लॉज है, तो 300 नंबर तक आपके लिए वेस्ट बंगाल अच्छी जगह। अगर कोई बच्चा UP में अप्लाई कर रहा है उसकी जगह पे अगर वो वेस्ट बंगाल अप्लाई करता है तो होगा क्या कि आपको वेस्ट बंगाल में अप्लाई करने से सीट मिल जाएगी, यूपी में अप्लाई करने से आपका राउंड की वेस्टेज होगी। तो इसलिए एग्जैक्ट जगह पे हमको काउंसलिंग करनी है, एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे हमको सीट मिलने की प्रॉबिलिटी हो वहीं पर आप टारगेट करें। जैसे शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज हो गया, IQCT मेडिकल कॉलेज हो गया, ये 325 नंबर तक जा सकता है, और आपका जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज हो गया, ये 350 नंबर तक यहाँ पे भी सीटें मिल सकती हैं, बिकॉज काफ़ी मात्रा में बच्चों ने यहाँ पे सीट नहीं उठा पाए थर्ड राउंड में, काफ़ी सीटें पलट के आएंगी अब इसकी, तो जिसकी वजह से स्टे वैकेंसी राउंड में यहाँ पे आराम से नियर अबाउट 280 मार्क्स तक यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर सीटें मिलेंगी, बस चॉइस फिलिंग आपको थोड़ा सा ओपन लेके चलना है, 280 के नीचे चांसेस कम है। पंजाब एक क्लोज स्टेट है, पंजाब में भी ज़्यादातर सीटें फिनिश हो चुकी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आदेश में ओपन में जो कट ऑफ चल रहा है वो 525 का चल रहा है, तो अगर आप अभी तक पंजाब में रुके हो, पंजाब के कैंडिडेट हो, तो पंजाब छोड़ के आपको बाहर निकलना ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। हिमाचल प्रदेश में MMU सोलन की रिपोर्ट ये है कि जो थर्ड राउंड था ये 322 पे फिनिश हुआ था, हिमाचल का भी फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, लगभग उम्मीद है कि 300 नंबर तक सीटें मिल जानी चाहिए हिमाचल प्रदेश में, अगर इतना स्कोर है तो हिमाचल को अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करते हो तो उत्तराखंड का भी अब आज से कल तक में इसका भी फॉर्म शायद आ जाना चाहिए, राउंड 3 में सबसे जो लोवेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं जो सीट गई थी वो गौतम चिकित्सा मेडिकल कॉलेज में गई थी 295 में, स्टे राउंड में उम्मीद है कि यहाँ पे 290 तक सीटें मिल सकती हैं उत्तराखंड के अंदर। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो लास्ट सीट गई थी थर्ड राउंड में वो अलफला मेडिकल कॉलेज की 317 नंबर पे गई थी और MMU साधोपुर की 324 नंबर पे गई थी, तो नियर अबाउट 310 नंबर तक सीटें यहाँ पे भी हरियाणा के अंदर सीटें मिल सकती हैं, बिकॉज अब मल्टीपल चॉइस फिलिंग नहीं होगी, यानी कि एक बच्चा ज़्यादातर ज़्यादा दो स्टेट में काउंसलिंग कर पाए अब इसकी चांसेस कम है। कर्नाटका में अगर देखते हैं तो कर्नाटका में दो टाइप की सीटें हैं, एक तो हमारी ये ओपन वाली जो सीट है जिसकी फीस 12 लाख की है, इसमें अगर हम देखते हैं तो लगभग चांसेस अभी भी हैं कि हमारा नियर अबाउट इसमें थर्ड राउंड के अंदर 560 नंबर तक सीटें जाने की चांसेस रहती हैं, बाकी NRI वाली सीटें अदर कोटा में डाल दी थी, वो सारी की सारी सीटें अलॉट हो गई थी, तो अब लेकिन थर्ड राउंड में कुछ कॉलेज में जैसे MVJ के अंदर 50 सीटें बढ़ के आई हैं, ऑक्सफोर्ड के अंदर 50 सीटें बढ़ के आई हैं,
AJHT के अंदर 50 सीटें बढ़ गई हैं। तो अगर आपका स्कोर कम है, 200-250 का स्कोर है, तो अदर कोटा से आप इन तीन कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल तो सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, बट फिलहाल की जो अभी रिपोर्ट है, जो हमारा कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इन तीन कॉलेज में ही ज़्यादा सीट आएंगी, ऑक्सफोर्ड में, MVJ में और AJHT में। इसको अगर आप लो स्कोर से अदर कोटा में टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और कुछ डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप TU-NDCC से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन पीसेस के अंदर। बिहार में फिलहाल अभी थर्ड राउंड प्रोसेस में चल रहा है मॉपअप राउंड का, रिजल्ट इसका 1 तारीख को आएगा, फिर 2 और 3 तारीख को इसकी ज्वाइनिंग रहेगी। बिहार में भी ज़्यादातर सीटें NRI से आई थी, नॉर्मल वाली सारी सीटें फिनिश हो गई थी। NRI से लगभग 200 नंबर तक यहाँ पे बिहार में थर्ड राउंड में सीट मिलने की चांसेस हैं। तमिलनाडु में सेकंड राउंड में ही पूरी ऑलमोस्ट सारी सीटें खत्म हो गई हैं, थर्ड राउंड में कोई सीटें नहीं आई हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर सीटें आई हैं। मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर सीटें फिनिश हो गई हैं, NRI वाली सीटें भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत ही कम सीटें हैं। 4th राउंड में NRI वाली सीटों को भी नॉर्मल कर देंगे तो नियर अबाउट यहाँ का भी जो कट ऑफ है वो 550 के आसपास बना रहेगा। तो हमने ये देखा कि पूरे इंडिया में क्या कट ऑफ पैटर्न चल रहा है। अब इसका जल्दी से कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जो 4th राउंड है इसमें जो सबसे लो स्कोर वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है राजस्थान, जहाँ पर उनको सीट मिल सकती है। फीसेस यहाँ पर ज़्यादा है, यही एक रीज़न है सीट मिलने का, तो राजस्थान को आप टारगेट कर लीजिए। लेस देन 200 वाले बच्चे या 200-220 वाले बच्चों के लिए राजस्थान बेस्ट प्लेस रहेगा। 300 स्कोर के आसपास उत्तराखंड है और हमारा वेस्ट बंगाल है, इसको हम टारगेट कर सकते हैं। 350 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश को टारगेट कर सकते हैं, हरियाणा को भी 300-320 नंबर पर टारगेट कर सकते हैं, और स्कोर अच्छा है 500 या उसको ऊपर का स्कोर है तो UP को टारगेट कर सकते हैं। रीज़न कि UP की फ़ीस कम है इसलिए ऊपर जाएगा, और बिहार के अंदर लग नहीं रहा कि स्टेट वैकेंसी राउंड में कोई सीट बच के आएगी, ना कि NRI की ना कि नॉर्मल की, बस यही अब कुछ सीटें रह गई है। अब आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी कैलकुलेशन आपको करना है, और फॉर्म आपके 2 से 3 दिन तक ही ये जो फॉर्म चल रहे इसके बाद इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, ये लास्ट वीक है। और जैसे जैसे ये अभी फिलहाल जो फॉर्म निकल के आया हुआ है राजस्थान का फॉर्म, अभी 3 दिन चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यूपी का में अगर आपका स्कोर अच्छा है तभी आप अप्लाई करिए, अगर नॉर्मल वाले कॉलेजेस में जाना है तो 500 के ऊपर स्कोर लेके चलिए, और अगर इसमें जाना है आपको माइनॉरिटी वाले कॉलेज में तो यहाँ पे भी आप लगभग 400 से ऊपर का स्कोर लेके चलिए। वेस्ट बंगाल में नियर अबाउट 300 नंबर तक सीटें मिल जाएंगी, यहाँ पे अगर 300 नंबर तक है तो शाम को फॉर्म आ रहा है वेस्ट बंगाल का, वो अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का फॉर्म भी एक्टिव है, हिमाचल प्रदेश में 320 नंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका में 570-565 नंबर तक नॉर्मल में सीटें मिल सकती हैं, अदर कोटा पर नियर अबाउट 200 नंबर पर सीटें मिल सकती हैं, और MCC में अगर हम देखते हैं तो 350 नंबर तक सीटें मिल सकती हैं। तो फिलहाल ये हैं, बाकी और डिटेल्स के लिए, ब्रीफ के लिए आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। आवर टीम इज हेयर टू हेल्प यू फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटी फ्रेंड्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।